हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं अनिल मौर्य और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल गोल्डन शेयर मार्केट में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाजू में एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर देंगे तो हमारी जो भी वीडियो नई नई अपलोड होंगी वो आपको आसानी से और सबसे पहले मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों को कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में बताने वाला हूँ। कमोडिटी मार्केट होता क्या है, ट्रेडिंग कैसे करते हैं कमोडिटी मार्केट में, किन किन चीज़ों में ट्रेडिंग कर सकते हैं, कमोडिटी मार्केट का संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं उस वीडियो के थ्रू। और मैंने एक कमोडिटी मार्केट का सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैं आपको करीब 5-6 वीडियो देने वाला हूं जिसमें आपको कमोडिटी मार्केट की सभी जानकारी मिलने वाला हो, मार्जिन से लेके प्रॉफिट कैसे होगा और किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं इस सीरीज में देने वाला हूं। तो इस सीरीज का ये पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको कमोडिटी के बेसिक जानकारी देने वाला हूं और कमोडिटी मार्केट में किन किन चीज़ों में ट्रेडिंग करते हैं इसके बारे में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी 30-35 वीडियो दिया है और भी धीरे धीरे करके उसमें वीडियो आगे आते रहेंगे। इसी तरह से एक टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैंने 2 वीडियो भी दिया है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिए और आगे टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड बहुत जल्दी ही बहुत सारी वीडियो आने वाली है। इसी तरह से फंडामेंटल एनालिसिस का एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें आपको फंडामेंटल से रिलेटेड करीब 50-100 वीडियो आएगा। और फिर इस तरह से ऑप्शन फ्यूचर डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है इसका भी सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसके मैं ऑप्शन फ्यूचर के बारे में पूरा सभी जानकारी उस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो फ्रेंड्स, लगभग शेयर मार्केट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चीजें शेयर मार्केट में यूज किया जाता है उन सभी के बारे में मैं इस चैनल के थ्रू वीडियो देने वाला हूं। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं बोल रहा हूं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो सभी वीडियो आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं कमोडिटी मार्केट क्या होता है, कमोडिटी ट्रेडिंग कैसे करते हैं, उन चीजों को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम कमोडिटी मार्केट की बात करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं कमोडिटी मार्केट में कमोडिटी चीज़ों की ट्रेडिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर कमोडिटी मार्केट को डिफिनेशन की तरफ हम समझेंगे तो कमोडिटी मार्केट एक फिजिकल या वर्चुअल ट्रेडिंग करने का ऐसा एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे हम फिजिकली या वर्चुअली कमोडिटी चीज़ों की खरीदी करते हैं, यानी बाई करते हैं, सेल करते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। अभी फ्रेंड्स, यहाँ पे किन चीज़ों की ट्रेडिंग की जाती है, रॉ मटेरियल या प्राइमरी प्रोडक्ट, यानी जो भी रॉ मटेरियल या प्राइमरी प्रोडक्ट होता है उन चीज़ों की ट्रेडिंग या बाई या सेल हम कमोडिटी मार्केट के थ्रू करते हैं। अभी फ्रेंड्स, ये रॉ मटेरियल या प्राइमरी प्रोडक्ट क्या होती है, ऐसी चीज़ें जो नेचर के थ्रू मिलती है, यानी जो इंसान नहीं बना सकता है, जो नेचर के थ्रू मिलती है, उन चीज़ों को हम बोलते हैं प्राइमरी पार्ट या प्राइमरी प्रोडक्ट या फिर रॉ पार्ट। तो फ्रेंड्स, ये कमोडिटी प्रोडक्ट या वो प्राइमरी पार्ट होते कौन कौन से हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। यानी हम फ्रेंड्स, अगर कमोडिटी मार्केट के टाइप्स ऑफ कमोडिटी मार्केट को देखेंगे या फिर कमोडिटी प्रोडक्ट को देखेंगे तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऐसी चीजें आती हैं जो एग्रीकल्चर यानी किसान के द्वारा यानी खेती के द्वारा मिलती हैं, जैसे कि हम बात करेंगे मक्का और सोयाबीन। तो फ्रेंड, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट होंगी वो किस में आएंगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आएंगी, यानी कमोडिटी मार्केट के टाइप में देखेंगे तो एग्रीकल्चर कमोडिटी में, जैसे कि मक्का, सोयाबीन, वीट यानी गेहूं और बैरले यानी जवा, चना, बाजरा, पैडी यानी धान, मूंग या और उसके बाद कपास और उसके बाद कस्टर सीड और उसके बाद जीरा टर्मरिक, यानी जो भी चीज़ें एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट होती है, यानी जो किसान उगाता है वो चीज़ों का ट्रेडिंग एग्रीकल्चरल कमोडिटी के अंदर होता है। तो फ्रेंड्स, यानी हम किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को कमोडिटी मार्केट में उनका ट्रेडिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा होता है नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, यानी ऐसे प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं हो और वो नेचर के थ्रू मिलती हो, जैसे कि जो माइनिंग से मिलती हैं जो प्रोडक्ट, उन प्रोडक्ट को नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी में लिया जाता है, जैसे कि गोल्ड सिल्वर। फ्रेंड्स, ये प्रिसाइज मेटल में आता है, यानी इनको बुलियंस भी बोलते हैं, जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं, इसके लिए इनको बुलियंस या प्रिसाइज मेटल के अंदर रखा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, कुछ बेस मेटल्स होते हैं जैसे कि
कॉपर निकल जिंक। तो फ्रेंड्स ये जो एल्यूमिनियम कॉपर निकल जिंक है ये बेस मेटल के अंतर्गत आता है। यानी पहला हो गया मतलब नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को देखेंगे तो फ्रेंड्स इसको तीन भागों में बांटा गया है, बुलियंस हो गया, मेटल्स हो गया, बेस मेटल हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स एनर्जी होता है जिसमें क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस होता है, ये एनर्जी के अंडर में आता है, एनर्जी में आता है। ओके तो फ्रेंड्स नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को कैटेगराइज किया गया, कैटेगरी में दिया गया तीन कैटेगरी में, बुलियंस, बेस मेटल और एनर्जी। ओके तो फ्रेंड्स ये डिटेल्स में आपको जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें वेबसाइट के बारे में बताऊंगा तो वहां पे आपको इन प्रोडक्ट को दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में हम गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल, जिंक और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, इन चीजों की ट्रेडिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर कमोडिटी एक्सचेंज की बात किया जाए, जैसे कि आप जानते हैं इक्विटी मार्केट का जो एक्सचेंज होता है बीएससी और एनएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसी तरह से फ्रेंड्स कमोडिटी मार्केट का भी एक्सचेंज होता है। इंडिया में मेजर दो एक्सचेंज को लोग दो एक्सचेंज में लोग ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि हमारा इक्विटी मार्केट में बीएससी और एनएससी एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं, वैसे ही कमोडिटी मार्केट में कई एक्सचेंज है लेकिन मेजरली दो एक्सचेंज में ट्रेडिंग किया जाता है। उसमें से पहला है एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और दूसरा है एनसीडीएक्स नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। तो ऐसे ये दो एक्सचेंज है जहां पर हमारे इंडिया में ज्यादातर इसमें इन दोनों में ही ट्रेडिंग किया जाता है। और फ्रेंड्स इन दोनों के वेबसाइट आप गूगल पे सर्च करते हैं या फिर कर सकते हैं या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से वेबसाइट देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद में एक वीडियो में आपको डिटेल्स इसके वेबसाइट को दिखाऊंगा, इनके वेबसाइट में प्रोडक्ट कहां पे है, ये चीजें कहां कहां पे आप कौन कौन से प्रोडक्ट है देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स एमसीएक्स की बात करेंगे तो 2003 नवंबर में ये बनाया गया था और एनसीडीएक्स की बात करेंगे तो दिसंबर 2003 में ये बनाया गया था। इसी तरह से फ्रेंड्स हम अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं कि एमसीएक्स कमोडिटी या फिर एनसीडीएक्स कमोडिटी में किन किन चीज़ों की ट्रेडिंग होती है, तो एमसीएक्स कमोडिटी में ज़्यादातर हम नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी का ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, जिंक या फिर लेड या फिर निकल, इन चीज़ों की ट्रेडिंग हम कहाँ पे करते हैं, एमसीएक्स में ज़्यादातर करते हैं। मतलब लगभग 95% लोग यहाँ पे एमसीएक्स में मेटल या बेस मेटल या बुलियन से या फिर एनर्जी की ट्रेडिंग करते हैं। एनसीडीएक्स की बात करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे ज़्यादातर एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट की ट्रेडिंग की जाती है, जैसे सोयाबीन, चना, वीट, शुगर, ओके, मस्टर्ड सीड, बाजरा, जीरा, टर्मरिक, यानी जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट होंगे उनके ट्रेडिंग कहाँ पर की जाती है, एनसीडीएक्स में की जाती है। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कमोडिटी मार्केट होता क्या है या फिर प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं या फिर एक्सचेंज कौन कौन से हैं जहाँ पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर एमसीएक्स यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की टाइमिंग की बात करेंगे तो 9 AM टू 11:30 या 11:51 यानी सुबह 9 बजे से रात 11:30 या 11:55 तक ये चलता है एमसीएक्स मार्केट, यानी जो भी बेस मेटल बुलियंस होते हैं यानी गोल्ड, सिल्वर, ओके, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, इनका टाइमिंग क्या होता है, 9 बजे से लेकर रात को 11:30 या 11:55 तक इनका टाइमिंग रहता है। और एग्रीकल्चर कमोडिटी की बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चलता है, यानी 9 AM से लेकर शाम 5 PM तक चलता है। तो फ्रेंड्स ये इनका टाइमिंग रहता है, मंडे टू फ्राइडे ये चलता है। तो फ्रेंड्स अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्सचेंज कौन कौन से होते हैं और टाइमिंग क्या होता है और किन किन चीज़ों की ट्रेडिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स आइए हम समझते हैं कि इनका ट्रेडिंग किया कैसे जाता है, इसमें एक्चुअली में किया क्या जाता है। ओके तो फ्रेंड्स जैसे कि हम बात करते हैं अगर हमको सोना या चांदी यानी गोल्ड और सिल्वर खरीदना होता है तो हम क्या करते हैं, एक दुकान पर जाते हैं, वहाँ से हम सोना या चांदी खरीदते हैं यानी गोल्ड और सिल्वर को खरीदते हैं। तो फ्रेंड्स हम उस गोल्ड सिल्वर को दो चीजें करते हैं, तो हम अपने जरूरत के लिए यूज करते हैं या फिर उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी अगर आज सोने का भाव 40,000 चल रहा है तो हम क्या करते हैं उसमें 40,000 रुपए में खरीदते हैं और जब उसका भाव बढ़ेगा तो हम उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कि हमने फिजिकल ट्रेडिंग किया, मैंने यानी फिजिकली गोल्ड को खरीदा दुकान से और उसके बाद जब उसका भाव बढ़ गया तो हमने क्या किया, बेच दिया। तो इसको फ्रेंड्स बोलेंगे कि फिजिकल ट्रेडिंग, आपने फिजिकल बाई सेल किया, फिजिकली गोल्ड को बाई सेल किया। इसी तरह से फ्रेंड्स आप गोल्ड को, सिल्वर को या इन चीजों को स्टॉक एक्सचेंज पे भी बाई और सेल कर सकते हैं। तो हम जैसे यहां पे फिजिकली गोल्ड को बाई कर रहे हैं फिर सेल कर रहे हैं तो उसी तरह से हम स्टॉक एक्सचेंज में भी गोल्ड को बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बेनिफिट क्या होता है उसके बारे में आपको आगे बताता हूं। तो फ्रेंड्स जैसे आप गोल्ड सिल्वर को बाई सेल कर सकते हैं, वैसे ही आप जो ये कस्टर्ड सीड है
को भी बाई सेल कर सकते हैं, या फिर जो एग्रीकल्चर की चीज़ें हैं, प्रोडक्ट है, जैसे गेहूँ, धान, जवा, मक्का, जो भी चीज़ें थी, इन चीज़ों को आप यहाँ कमोडिटी एक्सचेंज में यहाँ पे बाई सेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये जो क्लस्टर सीड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसके बारे में एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको। जब भी हम लोग बचपन में छोटे थे, हमारे यहाँ गांव में यूपी प्रयागराज में हम इसको रेण बोलते थे, रेण। ओके, तो इसको हम क्या करते थे, जब ये पेड़ पे होता था तो हम इसको ये करते थे, इकट्ठा करते थे, उनको लेके आते थे, इकट्ठा करते थे और उसको रखते थे। जब उसका सीजन जाता था, वो जब नहीं उगता था, उस समय हम उसको जब हम बेचते थे, यानी हमको 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये उसमें हमको मिलता था। तो फ्रेंड, जब मैंने ये स्टॉक मार्केट में ये चीज़ें देखा तो मुझे समझ में आया, मतलब हम क्या करते हैं, हम उन चीज़ों को उस समय जब उसका सीजन रहता है इकट्ठा करते हैं, और जब उसका सीजन चला जाता है हम बेचते हैं उसको महंगे दामों में। तो फ्रेंड्स, इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग करना। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिजिकल ट्रेडिंग में, या जो आपने दुकान से खरीदा सोना चांदी, यहाँ पे आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, ये अगर आपको जानना है तो मेरा एक वीडियो है शॉर्ट सेलिंग के बारे में, वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, और उसका लिंक भी मैंने दे रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स, मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट सेलिंग का आपको आइडिया देता हूं कि शॉर्ट सेलिंग होता क्या है। फ्रेंड्स, अगर शॉर्ट सेलिंग मतलब होता है कि आप जैसे देखो, आप पहले क्या करते हो, किसी चीज का रेट अगर उठने वाला था, आप क्या करते हो, पहले बाई करते हो फिर सेल करते हो। इसी तरह फ्रेंड्स, शॉर्ट सेलिंग में हम क्या करते हैं, पहले किसी चीज़ को बेचते हैं और फिर खरीदते हैं, यानी हमारे पास वो चीज़ थी नहीं, फिर भी हमने पहले बेच दिया और फिर उसको खरीद लिया, उसको बोलते हैं हम शॉर्ट सेलिंग। यानी समझो हमारे पास सोना था ही नहीं, ओके, फिर और हमको लग रहा है कि सोने का भाव इस महीने में गिरने वाला है, तो हमने क्या किया, सोने को बेच दिया और फिर जब उसका भाव गिर गया तो हमने उसको खरीद लिया। इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स शॉर्ट सेलिंग, जो कि हम फिजिकल मार्केट में ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास सोना नहीं है तो हम उसको बेच नहीं सकते फिजिकल मार्केट में, ओके, लेकिन कमोडिटी एक्सचेंज में यही चीज हम कर सकते हैं। और फ्रेंड, दूसरा बेनिफिट क्या होता है, अगर आप कमोडिटी एक्सचेंज के थ्रू गोल्ड खरीदते हैं या चांदी खरीदते हैं, सिल्वर खरीदते हैं, या फिर कमोडिटी चीज़ें जो होती हैं उनको खरीदते हैं, तो यहाँ पे और क्या बेनिफिट होता है, जैसे कि अगर आपको 100 तोला सोना यानी 100 ग्राम सोना खरीदना हो, तो इसमें सोने का भाव मान लो 55,000 रुपये चल रहा है, और आपको 10 तोला सोना खरीदना हो तो 5,50,000 रुपये लगेगा। यानी अगर आपको दुकान से 10 तोला सोना खरीदना हो तो करीब करीब आपको 5,50,000 रुपये लगने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, यही अगर हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज का, तो वहां पे बहुत ही कम पैसे में वो सोना खरीद सकते हैं। यानी अगर आप फिजिकली किसी चीज को खरीदने जाते हैं तो पहला नंबर तो वहाँ पे आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते हैं, और दूसरा नंबर वहाँ पे पूरा पैसा भरना पड़ता है। लेकिन फिर से अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हो तो यहाँ पे आपको 50,000 या 10,000 या 3,000 में भी आप वो 10 तोला सोना खरीद सकते हैं, ऐसा आपको चांस मिलता है वहां पे। तो फ्रेंड्स, अगर हम वो बात करेंगे तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, अगर आप कमोडिटी एक्सचेंज के थ्रू अगर आप सोना, चांदी या फिर इन चीजों को खरीदते हैं, कमोडिटी चीजों को, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि कम पैसे में मिलता है इन चीज़ों को। ओके फ्रेंड्स, तो आप फ्रेंड्स इस तरह से कमोडिटी मार्केट में आप चाहे तो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे क्योंकि कमोडिटी मार्केट जो होता है फ्रेंड्स, आपको पता है महंगाई के साथ साथ कमोडिटी प्रोडक्ट चलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि 5,50,000 की चीजें 5,000 या फिर 50,000 में कैसे मिल सकती है, या फिर शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं, तो इसके बारे में फ्रेंड देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, कमोडिटी मार्केट जो होता है ये डेरिवेटिव मार्केट के थ्रू किया जाता है, ओके, यानी जो कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग किया जाता है, ट्रेडिंग मतलब फ्रेंड्स बाई और सेल, जो कमोडिटी मार्केट में बाई और सेल या ट्रेडिंग किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, डेरिवेटिव मार्केट के थ्रू। तो फ्रेंड, डेरिवेटिव मार्केट आपको पता नहीं है तो इसके बारे में आगे चल के वीडियो बनाने वाला हूं, उसमें आप वो वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है। फिलहाल फ्रेंड्स समझते हैं, जो डेरिवेटिव मार्केट होता है ये फ्यूचर और ऑप्शन में किया जाता है। और फ्रेंड्स ये आप जानते होंगे, अगर डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है पता है, तो फ्यूचर और मार्केट में लीवरेज मिलता है, यानी थोड़े से पैसे दे के आप किसी बड़ी चीज को खरीद सकते हो। यानी अगर आपको 10 तोला खरीदना है 5,50,000 रुपये का, तो आप 5,000 रुपये दे के वहां पे खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड थोड़ा सा डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है समझते हैं। डेरिवेटिव मार्केट में फ्रेंड्स वहां पे आपको मार्जिन देना पड़ता है, यानी आप किसी चीज को खरीदना चाहते हो 10 लाख की चीजें, आप मात्र 50,000 रुपये का मार्जिन दे दो तो आपको वो चीजें मिल जाएंगी। तो डेरिवेटिव मार्केट में ये फायदा होता है कि कम पैसे लगाकर आप ज़्यादा पैसे वाली चीज़ों को खरीद सकते हैं। जैसे कि गोल्ड का भाव मान लो, गोल्ड का टोटल 5,00,000 रुपये लगने वाला है, तो वहाँ पे आप खाली
5,000 रुपये मार्जिन देकर वो आप गोल्ड को खरीद सकते हो। फ्रेंड्स, इससे नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि किन किन प्रोडक्ट को, यानी कमोडिटी मार्केट के किन किन प्रोडक्ट को कितना मार्जिन लगता है और किस किस ब्रोकर में कितना मार्जिन लगता है, वो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। फ्रेंड, डेरिवेटिव मार्केट में नेक्स्ट और लॉट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आप अगर आप दुकान पर जाएंगे सोना खरीदने के लिए, तो आपकी जितनी मर्जी हो, 5,000 का भी ले सकते हैं, 2,000 का ले सकते हैं, यानी 1 ग्राम ले सकते हैं, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, ऐसा जितना चाहो उतना ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे लॉट होता है, अगर आया तो आप 100 ग्राम का एक लॉट ले सकते हैं, या फिर 8 ग्राम का एक लॉट ले सकते हैं, या 1 kg का एक लॉट ले सकते हैं, 1 ग्राम का एक लॉट ले सकते हैं। इस तरह आपको लॉट में खरीदना होता है, मतलब अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं खरीद सकते, आपको पूरा लॉट लेना पड़ता है। इस तरह से फ्रेंड नेक्स्ट होता है सबसे, जो डेरिवेटिव मार्केट की बात करेंगे तो एक्सपायरी की, कि यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, एक्सपायरी होता है आपको, आप इस तरह से आपको एक्सपायरी होता है कि वो जो चीज़ें आप खरीद रहे हैं वो उस मंथ एंडिंग में एक्सपायर होने वाला है, यानी अगर आप उन चीज़ों को मंथ एंडिंग तक आपको बेचना ही पड़ेगा। लेकिन फिजिकल मार्केट में ये चीज़ नहीं होता है, वहाँ पे आपको बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है, जब चाहो जब बेचो, जब भी उसका कीमत उठेगा तब बेचो। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट में आपको वो बेचना ही पड़ेगा जैसे जैसे उसका एक्सपायरी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मतलब इफेक्ट होते हैं, अच्छी चीज़ें होती है, कुछ बुरी चीज़ें होती है, कि आपको यहाँ पे कम पैसा लगा के ज्यादा आप खरीद सकते हैं, और लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, एक्सपायरी होता है, उस एक्सपायरी तक आपको बेचना पड़ेगा, और आप अपनी मर्जी से क्वांटिटी नहीं ले सकते हैं, आपको पूरा जो लॉट वहां पे प्री डिसाइडेड किया गया उतना ही लॉट लेना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कमोडिटी मार्केट की अगर हम बात करते हैं, तो कमोडिटी मार्केट एक हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट की चीज़ होती है। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसमें बहुत पैसा बनता है, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जितना पैसा बनने का चांस होता है उतना ज़्यादा रिस्क भी होता है। और ये रिस्क क्यों होता है, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे लॉट साइज होता है, आप अपनी मर्जी से ऐसा एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, जैसे अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करते हैं तो एक शेयर, दो शेयर नहीं ले सकते हैं, ये वहाँ पे पूरा लॉट लेना पड़ता है। इसी तरह से कमोडिटी मार्केट में भी आप एक दो ऐसा नहीं ले सकते, आपको पूरा वहां पे लॉट लेना पड़ता है। जैसे नेचुरल गैस की बात करेंगे तो 1250 का लॉट लेना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, लॉट जब हमारे पास ज्यादा होता है तो वहां पे उसका जो रिस्क भी ज्यादा होता है। दूसरा फ्रेंड्स, कमोडिटी मार्केट जो हाई रिस्क है या हाई प्रॉफिट क्यों होता है, क्योंकि न्यूज पे चलता है। कमोडिटी मार्केट फ्रेंड्स आपको जैसे पता है, अभी सोना जो होता है किसी किसी देश में पाया जाता है, क्रूड ऑयल यानी जो जिससे पेट्रोल बनता है, ये सऊदी अरेबिया या किसी किसी पर्टिकुलर देश में पाया जाता है, और खेती की बात करें जैसे ज़्यादातर इंडिया में होता है। तो इस तरह से फ्रेंड जो कमोडिटी प्रोडक्ट होता है ये किसी किसी पर्टिकुलर जगह या पर्टिकुलर देश में पाया जाता है। तो ये क्या होता है, पूरा न्यूज होता है। जैसे मान लो अभी न्यूज आया कि सऊदी अरेबिया में हमला हुआ, या फिर क्रूड ऑयल कम मिला, या फिर क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कम हुआ, तो उस न्यूज पे क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है। या फिर इंडिया में ऐसा हुआ कि गेहूं के सीजन में बारिश ज्यादा हो गया, गेहूं खराब हो गया, तो गेहूं का भाव बहुत ऊपर नीचे होगा। तो मतलब ये जो कमोडिटी प्रोडक्ट है इसका जो प्राइस है ग्लोबली पूरे न्यूज पे चलता है, इसलिए हाई रिस्क होता है। जैसे मान लो आपने आज कोई कमोडिटी लिया और कल सुबह सुबह न्यूज आ गया कि सऊदी अरब में हमला हो गया, तो उस समय क्या होगा, उसका भाव बहुत तेजी से पूरा ऊपर होगा या नीचे होगा, मतलब बहुत तेजी से फ्लक्चुएशन होता है। इसलिए कमोडिटी मार्केट में फ्रेंड्स बहुत ज्यादा रिस्क और बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। मान लो अभी आपने कोई कमोडिटी खरीदा है, सोना खरीदा है, और सडनली कल कुछ न्यूज आ गया और सोने का भाव बढ़ गया, तो आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। इस तरह से क्रूड ऑयल में आपने आज क्रूड ऑयल को खरीदा और कल कुछ न्यूज आ गया, कल रातों रात कुछ न्यूज आया कि वहां पे उस देश में हमला हुआ या वहां पे प्रॉब्लम हो गया, तो उसका सडनली भाव ऊपर चला जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, या फिर सडनली नीचे गिरेगा तो बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो इस तरह से कमोडिटी मार्केट में बहुत हाई रिस्क हाई प्रॉफिट होता है। तो जहां पे देखेंगे तो जैसे बहुत सारे लोग ऐसा लगता है बहुत ज्यादा फायदा होता है, लॉट साइज होता है, तो फ्रेंड जितना ज्यादा फायदा होता है उतना ज्यादा लॉस भी होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हमने कमोडिटी मार्केट क्या होता है, किन किन चीजों में ट्रेडिंग करते हैं, कैसे करते हैं, इन चीजों को समझा। और नेक्स्ट वीडियो हम फ्रेंड्स देखेंगे कि किन किन प्रोडक्ट में कितना कितना मार्जिन मिलता है, कौन कौन सा ब्रोकर कितना मार्जिन देता है, कितने का लॉट साइज होता है। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, या फिर मैं आपको लाइव मार्केट में इसमें ट्रेडिंग करके मैं एक वीडियो में दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और फ्रेंड्स, आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक प्रोवाइड कर रखा है, कमोडिटी मार्केट के बारे में हम वहाँ पे कुछ नॉलेज देते हैं, उन चैनल्स को आप ज्वाइन कर लीजिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू वहाँ पे जाके, और आपको वहाँ से बेनिफिट हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।